मैं पार्ट वन में लिट्टी बनाई हूँ और पार्ट टू चोखा बना रही हूँ, इसलिए दोनों वीडियो एक ही साथ आसपास में मिलेगा, अलग अलग आप देख लीजिएगा। ये देखिए आलू तीन उबला हुआ मैं ली हूँ, ये दो टमाटर है, आइए लहसुन जलाया हुआ है, आग पर मैंने जला लिया था, इसको छील के रखे हैं, और ये एक बैगन है, बैगन भी ठीक है, कुछ भी नहीं है बैगन में, देखिए ये लहसुन है, इसे पहले चूर लेती हूँ, आग में जला के लहसुन लीजिएगा ना बहुत अच्छा होगा, देखिए थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो मुंह में जाएगा, अच्छा ही लगेगा। टमाटर भी मैं कट लेती हूँ चूर, लिट्टी में तो यही चोखा बहुत अच्छा लगता है। अब मिर्ची थोड़ा कच्चा दूंगी, या एक सूखा मिर्ची आग में जला के दूंगी, देखिए बैगन है, टमाटर, आलू, तीनों को मिक्स करते हैं। हाथ से बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है, चम्मच से मिलता नहीं है, इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो हाथ ही लगाती हूँ, साफ सुथरा हाथ धो लें। इसमें देखिए ये मिर्ची है कच्चा, सूखा बाद में दूंगी, और ये प्याज है चॉपिंग किया हुआ, नहीं जो मुंह में अच्छे से आए। थोड़ा नींबू का रस भी डालती हूँ, एक कोना डाले हैं बस। अब नमक और तेल, एक सूखा मिर्ची, कच्चा तेल, अब जो है ना कच्चा सूखा मिर्ची मैं आग में बनाती हूँ और दिखाते हैं। देखिए अब थोड़ा मैं चाट मसाला भी डालती हूँ, बस थोड़ा ही, तो नमक डाल दी हूँ और एक सूखा मिर्ची, सूखा मिर्ची ना स्मोकिंग फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसे हरा मिर्च भी डालती हूँ मगर एक सूखा मिर्ची दे देती हूँ, अगर ज्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो दो भी डाल सकते हैं। ये चोखा का तो डिश बन गया, चोखा देखिए बना लिए हैं इस तरह से, और लिट्टी का भी वीडियो हम डाले हैं बगल में, ये चोखा भी आप देख लीजिएगा, और इसी तरह से चोखा लिट्टी बनाइए, शेयर कीजिए, इसी तरह से बनाइए, खाइए और बताइए कैसा बना।